वेलकम टू ऑल ऑफ माय डियर फ्रेंड्स। दोस्तों, आपके लिए अब इस वीडियो में हम जनवरी नाइट की पार्ट टू लेकर आए हैं, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा आपके बिहार एसटीटी प्रिपरेशन के लिए। और दोस्तों, अब हम 11th और 10th का जो सेकेंड बुक है, उस दोनों ही किताब को एक साथ हम अपलोड करेंगे। जो भी मुख्य पॉइंट होंगे उसको हम कवर करेंगे। चले दोस्तों, अभी तक यदि आप अपने इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो आपका आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चले दोस्तों, अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। अ डार्क जनवरी नाइट, इन द स्काई इवन द स्टार सीम टू बी शिवरिंग। जनवरी की एक बिल्कुल अंधेरी रात, आकाश में ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो अभी भी जो तारे हैं ना, वो क्या कर रहे हैं, वो कांप रहे हैं। दोस्तों, तारे कांपते नहीं हैं, तारे चमकते हैं। अभी भी तारे चमक रहे हो। एट द एज ऑफ दिस हिज फील्ड अंडरनीथ अ शेल्टर ऑफ कैन क्लिप्स, हल्कू ले ऑन बम्बू कॉट रैप्ड अप इन हिज कोल्ड बर्लैप सावल। तो दोस्तों, जो हल्कू की कहानी है और उसके कुत्ते जबरा की, तो हल्कू जो अपने एक छोटी सी झोपड़ी में नीचे खेत के किनारे पर बनाया हुआ है, उसके अंदर है। और यह जो कहानी है वह जनवरी की है, जो एक बहुत ही ठंडी रात होती है। वह एक झोपड़ी में रहता है और बांस के वह रैप्ट चारों तरफ से उसमें लेपटा रहता है, और एक पुरानी आधी फटी हुई जो उसकी सावल है उसे ओढ़ लेता है, स्वीवरिंग अंडरनीथ द कोट। और जो कोट कॉट है चरपाई पे कांपते हुए हिज फ्रेंड जबरा उसके नीचे, उस चरपाई के नीचे है। द डॉग वाज विम्परिंग विथ हिज मुज्जल। दोस्तों, विम्परिंग मिस होता है, जो कुत्तों की कुई कुई की जो आवाज़ होती है, वह मतलब उसके मुंह से आवाज़ निकल रहे थे इनटू हिज बेली। और वह जो मुज्जल था, उसका जो मुंह था, अपने पेट में सटाए हुए सोया हुआ था। नाइदर ऑफ देम वाज एबल टू स्लीप, उनमें से कोई भी सोने में सक्षम नहीं था, न तो जबरा और न ही हल्कू। दोस्तों, यहाँ पे एक ग्रामर की जो रूल्स है आप ध्यान रखिएगा। यदि आपको किसी वाक्य में ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ दिखाई दे, तो जो नाउन या प्रोनाउन आएगा वो प्लुरल आता है, लेकिन जो आपका वर्ब आता है वो सिंगुलर होता है। जैसे नाइदर ऑफ देम, देम तो आपका प्लुरल है, लेकिन जो यहाँ पे वाज आया है दोस्तों, यह सिंगुलर है। और क्योंकि रूल्स कहता है ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ के बाद प्लुरल नाउन और सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, याद रखिएगा कि यह जो चैप्टर है जनवरी नाइट, यह पुष के महीने की एक ठंडी रात का वर्णन है, जिसमें हल्कू नमक एक किसान होते हैं और उसका एक कुत्ता होता है जिसका नाम है जबरा, और उसकी गरीबी की गाथा इसमें गाए हैं हमारे कवि प्रेमचंद साहब। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हल्कू कॉल्ड अप ड्राविंग हिज नीज क्लोज अगेंस्ट हिज चीन एंड सेड, हल्कू अपने को थोड़ा सा घुमाता है और अपने जो चीन है ना, उसके ठुड्डी को अपने पेट में बिल्कुल सटा लेता है, क्लोज कर लेता है घुटनों के पास, अर्थात तो वो घुड़की मार के सो जाता है ठंड के कारण। एंड सेड कहता है कि जबरा, डिड नॉट आई टेल यू इन द हाउस यू कुड लाई इन द पैडी एस्ट्रॉ। दोस्तों, एस्ट्रॉ में सोता है पुआल। कहता है कि जबरा, Did not I tell you, मैंने तुम्हें बताया था ना, in the house, घर में, you could lie in the paddy straw, घर में तुम पुआल पे सोए होते, so why did you come out here, तुम यहाँ पे क्यों आए, now you will have to bear the cold, अब तुम्हें ठंड को सहन करना पड़ेगा, there is nothing I can do, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, you thought, तुमने सोचा, तुम सोचते थे कि आई वॉज कमिंग आउट हियर टू ईट पूरीज एंड स्वीट्स, तुम सोच रहे थे या सोचते थे कि मैं यहाँ पे पूरी और मिठाइयाँ खाने आ रहा था,
एंड यू कैम रनिंग ऑन अहेड मी, और तुम मेरे आगे आगे दौड़ते हुए चले आए। नाउ यू कैन मोन एंड ऑल यू एड, अब जितना मन करो उतना तुम कराहो चिल्लाओ, ठीक है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले, अभी तक आप अपने इस YouTube चैनल इंग्लिश विद दिलीप सर को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब योर YouTube चैनल इंग्लिश विद दिलीप सर। जबरा वेग्ड हिज टेल विदाउट गेटिंग अप, जबरा अपने पूंछ को हिलाता है बिना उठे हुए। प्रोट्रैक्टेड हिज विम्परिंग इनटू लॉन्ग यान, कर वो एक बहुत बड़ी जमाई लेता है, यान में से जमाई लेना, जमाई लेता है और उसकी जो विम्परिंग थी, जो उसकी सीटी की आवाज़ थी वह रुक जाती है। और परहैप्स शायद इन हिज कैनाइन विजडम, उसके जो मतलब जो एक कुत्ता होता है उसके बुद्धि में ऐसी बात आती है, ही गेस्ड डैट हिज विम्परिंग वाज कीपिंग हिज मास्टर अवेक, उसको लगा कि उसकी जो विम्परिंग है, उसकी जो आवाज़ है वह उसके मालिक को जगा रही थी, इसलिए वो क्या होता है शांत हो जाता है, एक बार जमाई लेता है शांत हो जाता है। हल्कू रिच्ड आउट हिज हैंड एंड पैटेड जबरा कोल्ड बैक, जब हल्कू जो है अपने हाथों को उसके पीठ के तक रिच पहुंचाता है, अर्थात तो अपने हाथ को जबरा के पीठ तक ले जाता है और उसके ठंडे पीठ को क्या करता है, पैट करता है, थपथपाता है। फ्रॉम टुमोरो ऑन स्टॉप कमिंग विथ मी और द कोल्ड विल गेट यू, कल से तुम मेरे साथ आना बंद करो नहीं तो तुमको क्या हो जाएगा, ठंड लग जाएगा। दिस बीच ऑफ अ वेस्ट विंड कम्स फ्रॉम नोबडी नोज वेयर ब्राइटनिंग द आइसी कोल्ड विथ इट, तो दोस्तों ये जो ठंडी है कोई नहीं जानता है कि यह कहाँ से आ रहा है। दिस बीच ऑफ वेस्ट विंड, यह जो वेस्ट की जो हवा है ना, कम्स फ्रॉम नोबडी नोज, कोई नहीं जानता है कि कहाँ से कैसी आ रही है। वेयर ब्रिंगिंग द आइसी कोल्ड, और ये कहाँ से इतनी आइसी कोल्ड को, इतनी ठंडी हवा को लेकर आ रही है। किसी को नहीं मालूम है, वह उठता है बिच नोज वे आर ब्रिंगिंग द आइसी कोल्ड, गेट अप एंड फिल माई पाइप, और वह उठता है और अपने पाइप को क्या करता है, भरता है। दोस्तों यहाँ पाइप कहने से आशय है चिलम, आई हैव स्मोक्ड 8 पाइप फुल्स ऑलरेडी, कहते हैं कि मैं तो पहले ही 8 चिलम भर चुका हूँ, बट आई विल गेट थ्रू द नाइट सम हाउ, लेकिन मुझे किसी तरह रात काटना है। दिस इज द रिवार्ड यू गेट फॉर फार्मिंग, कहते हैं कि यही तो उपहार है, यही रिवार्ड है कृषि की, खेती की। सम लकी फेलोज, कुछ भाग्यशाली लोग आर लाइंग इन हाउस, अपने घरों में पड़े हुए होंगे। वेयर इफ द कोल्ड कम्स आफ्टर देम द हीट जस्ट ड्राइव्स इट अवे, जहाँ पे ठंडा आता होगा तो वहाँ की जो हीट होगी ना, गर्मी होगी, फिर से उन्हें बाहर भगा देता होगा, भगा देता है। अ गुड थिक क्वाइट अ वार्म कवर्स ब्लैंकेट, जो उनके पास क्या होगा, एक बहुत ही अच्छा थिक क्वाइट, एक अच्छा बिल्कुल वार्म कवर्स होता है, अ ब्लैंकेट एक कंबल होता है। जस्ट लेट द विंटर कोल्ड ड्राई टू गेट देम, और पूरे विंटर को वे लोग क्या करते हैं, उनके लिए सुखा देते हैं। फॉर्चूनर्स अरेंज्ड, भाग्यशाली लोग व्यवस्थित कर लेते हैं एवरीथिंग वेरी वेल, हर चीज़ को। व्हाइल वी डू द हार्ड वर्क, और जबकि हम लोग कठिन परिश्रम करते हैं, इल्स गेट्स द जॉय ऑफ हिट, और दूसरे लोग इसका आनंद ले लेते हैं। दोस्तों इस पैराग्राफ में कवि जो है वह एक किसान की जो दुख होती है उसको दिखा रहे हैं कि उसको क्या दुख होती है, वह कितना मेहनत करता है। ही गॉट अप, वह उठा, टुक सम एम्बर्स फ्रॉम द पिट, पिट में दोस्तों होता है गड्ढा, वह गड्ढे से कुछ अंगारों को लेता है। एंड फिल्ड हिज पाइप, और अपने पाइप में, अपने चिलम में भर लेता है। जबरा गॉट अप टू, जबरा भी जग जाता है। तो दोस्तों
याद रखिए कि यह जो कहानी है प्रेमचंद की है जनवरी नाइट, इसके जो पात्र हैं हल्कू और जबरा है। स्मोकिंग ही हल्कू सेड, धूम्रपान करते हुए हल्कू कहता है, इफ यू स्मोक द कोल्स जस्ट एज बैड बट एट लीस्ट यू फील अ लिटिल बेटर। यदि तुम ठंड में धूम्रपान करते तो यह बुरा है, लेकिन फिर भी कम से कम यू फील अ लिटिल बेटर, थोड़ा सा आराम महसूस करते, थोड़ा सा तुम्हें ठंडी से निजात मिलती। जबरा लुक्ड एट हिम, जबरा उनके तरफ देखता है, विथ आइज ओवरफ्लोइंग विथ लव, मतलब एक प्रेम भरी निगाहों से उसके तरफ देखता है। यू हैव टू पुट अप विथ जस्ट वन मोर कोल्ड नाइट, तुम्हें एक और ठंडी रात की सामना करना होगा, सहना होगा। टुमोरो आई विल स्प्रेड सम स्ट्रॉ, स्ट्रॉ मिस होता है दोस्तों पुआल, कल मैं कुछ पुआल बिछा दूंगा तुम्हारे लिए। When you bed down in that, जब तुम उस पे सोओगे ना, उस पुआल पे, you won't feel the cold, तुम ठंडा महसूस नहीं करोगे। जबरा पुट हिज पाउज ऑन हल्कूज नीज, जबरा अपने पंजों को हल्कू के नीज पे घुटने पे रख देता है। एंड थ्रू ब्रॉट हिज मुजल क्लोज हल्कू फेल्ट हिज वार्म्थ ब्रेथ, और अपने मुजल को, अपने थुथन को हल्कू के पास लाता है, जिससे हल्कू थोड़ा सा गर्मी महसूस करता है। आफ्टर ही फिनिश्ड स्मोकिंग, जब वो चिलम, मतलब जब वो गांजा पी लेता है, जब वो धूम्रपान करना कर लेता है, हल्कू ले डाउन, हल्कू सो जाता है। एंड मेड अप हिज माइंड, और अब मन में ही सोचने लगता है, डैट हाउ यूवर थिंग्स वेयर, कि कैसे ये थे, ही वुड स्लीप नाउ, कि कैसे वह अब सोएगा। बट इन ओनली वन मिनट, लेकिन एक ही पल में हिज हार्ट बिगेन टू पाउंड, उसका दिल धड़कने लगा। ही टर्न फ्रॉम साइड टू साइड, वह एक तरफ से दूसरे तरफ घूम रहा था, एक बगल से दूसरे तरफ वह बिछावन पे घूम रहा था, उसको नींद नहीं आ रही थी ठंडी के कारण। बट लाइक सम काइंड ऑफ विच द कोल्ड वेदर कंटिन्यू टू टॉर्मेंट हिम, लेकिन एक प्रकार से जो एक ठंडी हवा थी उसे और भी पीड़ा दे रही थी, पहुंचाने लगी, मतलब फिर कंटिन्यूड करती है, जो ठंडी हवा की जो टॉर्मेंट थी, पीड़ा थी, फिर से उसे लगती है, फिर वो बहुत ज़्यादा ठंड महसूस करता है। When he could no longer bear it, जब वो बहुत देर तक इसे सहन नहीं कर सका, he gently picked Jabra up, उसने Jabra को उठा लिया, पिक अप में तो होता है दोस्तों उठाना, जबरा को उठा लिया। एंड पैटिंग हिज हेड, उसके सिर पे थपथपाते हुए, एंड गॉट हिम टू फॉल एस्लिप इन हिज लैप, और उसको अपने गोद में लेकर सो गया। द डॉग्स बॉडी गेव ऑफ सम काइंड ऑफ स्टिंक, बट हल्कू जो कुत्ते का शरीर था वह दुर्गंध दे रहा था, स्टिंग मिस होता है दुर्गंध, वह कुछ दुर्गंध दे रहा था। बट हल्कू हॉगिंग हिम टाइट, लेकिन हल्कू जो है उसे कस के आलिंगन कर लेता है, कस के अपने गले से लगा लेता है। एक्सपीरियंस अ हैप्पीनेस ही हैड नॉट फेल्ट फॉर मंथ्स, ऐसी उससे प्रसन्नता महसूस हुई जैसे कि उसने महीनों से ऐसी प्रसन्नता महसूस न की हो। जबरा प्रोबेबली थॉट ही वॉज इन हेवन, जबरा संभव तो ऐसा सोच रहा था कि मानो वह कहाँ हो, हेवन में हो, स्वर्ग में हो। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले, अभी तक आप अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब योर यूट्यूब चैनल एंड लाइक योर वीडियो। ही हैड नॉट फेल्ट फॉर मंथ्स वॉज इन हेवन, एंड हल्कूज इनोसेंट हार्ट
देयर वॉज नो रिसेंटमेंट ऑफ हिज स्मेल। जो हल्कू का जो उदार हृदय था उसमें इस दुर्गंध के लिए कोई भी नाराजगी नहीं थी, रिसेंटमेंट नहीं था। तो दोस्तों रिसेंटमेंट मिस होता है नाराजगी। ही एम्ब्रेस्ड हिम विद द वेरी सेम अफेक्शन ही कुड हैव फेल्ट फॉर अ ब्रदर और अ फ्रेंड। वह उसी भावना के साथ उस कुत्ते को गले से लगाया था जिस भावना के साथ वह अपने मित्रों को या अपने भाई को गले से लगाता। ही वॉज नॉट क्रिपल्ड बाई द पॉवर्टी विच हैड रिड्यूस्ड हिम टू दीज एस्टेट्स एट प्रजेंट। वह गरीबी से पंगु नहीं हुआ था जो उसे इस संकीर्णता में ला दिया था, इस स्थिति में ला खड़ा किया था। रेदर इट वॉज अ दो हिज सिंगुलर फ्रेंडशिप। यह तो उसकी एक लौती दोस्ती थी, सिंगुलर फ्रेंडशिप थी। हैड ओपन ऑल द डोर्स टू हिज हार्ट, जिसने उसके हृदय के सारे दरवाजों को खोल दिए थे। एंड ब्रिलियंटली इल्यूमिनेटेड एवरी एटम ऑफ इट, और उसके शरीर का जो प्रत्येक कण था ना, जो प्रत्येक रास्ते थे, वो जगमगा उठे थे। मतलब उस पल उसका पूरा पहलू जो था ना, शरीर था, अपने दोस्त जबरा के लिए जगमगा उठे थे। जबरा ठंड से काफ़ी परेशान था, हल्कू भी परेशान था, लेकिन जो हल्कू था, जबरा की काफ़ी उसे चिंता होती है और वह उसे अपने गोदी में ले लेता है। सडनली जबरा पिक्ड अप द नॉइज ऑफ सम एनिमल। अचानक जबरा कुछ जानवरों के आवाज़ पर पिक्ड अप उठ जाता है, अर्थात उसे कुछ सुनाई देती है। हिज दिस स्पेशल इंटीमेसी हैड प्रोड्यूस्ड अ न्यू अल्टरनेस इन हिम। यह जो एक खास लगाव था जबरा और हल्कू के बीच, यह एक नए प्रकार के अल्टरनेस को, एक घनिष्ठता को एक जीव उत्पन्न कर दिया था। डैट डिस्टेंट द अनस्लॉट ऑफ द विंड। दोस्तों आपका जो डिस्टेंट और अनस्लॉट होता है, अनस्लॉट मिस होता है दोस्तों आक्रमण, और डिस्टेंट मिस होता है घृणा। तो एक नए प्रकार के उसके अंदर सजगता को, अल्टरनेस को पैदा कर देता है। दैट डिस्टेंट द अनस्लॉट ऑफ द विंड, जो जबरा है उसके अंदर इस विंड के आक्रामकता के प्रति डिस्टेंट पैदा कर देता है, घृणा पैदा कर देता है। स्प्रिंगिंग अप एंड कॉल्ड हिम सेवरल टाइम्स, स्प्रिंगिंग अप ही रैन आउट ऑफ द शेल्टर एंड बिगेन टू बार्क। तेजी से उठता है और वह भौंकते हुए शेल्टर झोपड़ी से बाहर चला जाता है। एंड बिगेन टू बार्क, और भौंकने लगता है। हल्कू विस्टल्ड एंड